ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम समस्तंकु, ओम साई राम। पवित्र डीटीवी रा स्वतंत्र कार्यक्रम शिरडी माटी रे साई को समस्तंकु स्वागत। आज अध्याय रे आमे टिके आलोचना करिबा जे बाबांकर वचन। बाबा एगारटी वचन देथिले, जो वचन को कहा जाए साई को एगार वचन। सेथिरे बाबा गोटे कथा कहिथिले, जे पूर्ण विश्वास एवं भरोसार सहित मो द्वारिका माई रा पहाच रे पाद देव, मु तार समस्त दुख को बहन करी, मु ता कथा सुनिबी, मु तार दुख नेबी, मु ता पई सबुबले साईनाथ महाराज रूप रे आगरे रहिबी, पछरे रहिबी, तार कोनसे असुविधा हेबो नै। तो एबले को सुंदर कथा आमे सुनिबा, एक सुंदर अनुभूति अछि साईंकर, जहाकि सेतेबलर कथा, पाखापाखि 100 वर्ष तलर कथा, जे नासिक रो जणे डॉक्टर थांती। नासिक पाखर गोटे गाँ थिला, जो गाँर नाँ हूँ मालेगा। मालेगा रे जणे डॉक्टर रहुथांती, भणजा को एक असाध्य रोग हला, जे चारियाडु चेष्टा कले मध्य से रोग को केही भल करि पारले नाही। जदियो तांको मामू जणे डॉक्टर, से मध्य चेष्टा कले, एवं तांकर जिते सांग थिले सेमाने मध्य डॉक्टर, सेमाने मध्य चेष्टा कले। तो सबुआडु चेष्टा करि सल्ला परे से रोगरु तांको भणजा को केही मुक्ति करि पारले नाही। तो बहुत मन दुख हला, से संपूर्ण भाव रे विश्वास भरोसा तांकर तुटी गला, एवं समस्ते कथा गुआ कुई हेले कहले, ये पिला आउ केबे बंचिबो नाही, एते डॉक्टर लागिलेनी तो पिलार रोग भल हेउनी। तो ठीक एही समय रे पिलार पिता माता कोनोसी जगारु खबर पाइले, कहले पाखरे 50 रु 60 किलोमीटर भितरे गोटे गाँ अच्छी, से गाँर ना शिरडी, आ शिरडी रे जणे संथ रहुचंती, तांको ना हेउची साई बाबा, तुम्हें सेइटी कि नै जाओ, बाबा सब प्रकार असाध्य रोग को भल करचंती। निराश स्वयं मा जगदीश रक्षा, जहाँपाई कई नहांती तांको भगवान बाट कढ़ाती। तो से भाई तो जितेबले सी खबर पाइले साई को विषय से मानकर मन छुटिला, एवं बापा माँ एवं तांकर रोगी पिलाटा को धरी से आसी शिरडी रे पहुँचीगले। शिरडी रे पहुँचला परे समस्त को पचारि पचारि शिरडी आसी द्वारिका माई रे मध्य पहुँचीगले। द्वारिका माई रे पहुँचला परे बाबा को द्वारिका माई रे तांको पिला को पहुँची देले। बाबा समस्त को देखिले, शेषर से मानकु मध्य निमंत्रण कले, निमंत्रण करी किछि उदी पुडिया देले, एवं कहिले सेई पिलार देहरे सर्वांगरे आपण माने बोली दियंतु। तापरे तार पिता माता सेई पिलाटीर देहरे से उदी को संपूर्ण भावरे लगेइ देले, एवं धीरे धीरे उदी जेतेबेले लागिला पिलार परिवर्तन आरंभ हला। एइबळी भावरे दुई तीन दिन चार दिन उदी लगेला परे से पिलाटी संपूर्ण भाव रे साईं को दयारु मुक्ति पाइला, भल हो गला। तो ये थिला साईं को करुणा एवं उदीर महिमा। किंतु यही उदीर महिमा कथा पहुँची गला तांकर मामू, जी कि थिले नासिकर डॉक्टर, से चिंता कले जो पिला को आम एत डॉक्टर मिसी भल कर पारू ना, ये कौ उदी कहीं किभली भाव रे तांकर भणजा को भली भल कला, से मनरे चिंता सबुले कले। मुझे इच्छा हला कहे मुझे जीवी से शिरडी को जीवी, आउ किए से साई बाबा, आउ कौन से कौ उदी रे लोक मान भल कर देखी। तापर से भाव आसापी मन पोषण कले, लोक मानक साई को विषय जनइबारु सेटाकर लोक मैंने बाबा विरुद्ध में बहुत किसी कथा कहले, सेतिपाई तांकर मन भांगीगला आउ से आसी पारले नाही। पुणी थरे से थरे रास्तार जाउथले तांकु गोटे शून्यवाणी हला, अरे तू मते अविश्वास करुचु किंतु तू निश्चिंत भाव मो पाखकु आसी। तो एक कथा से जानी पारले, कहले ये कथा बाबा कहू ना, तो बाबा को एत भल पाई भणजा भल हला, मुझु गली ना तो बाबा शून्यवाणी कले। बाबा मत स्वप्न कहले, तू मते अविश्वास करुचु किंतु तू दिन मो पाखकु आसी।
ଯେଉଁଦିନ ସେ ଡକ୍ଟର ପୁଣି ବାହାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଟି ଆସିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର ଏବଂ ସେ ଜ୍ୱର କେବେ ବି ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ତ ସେଉଠୁ ଥାଇ ସେ କହିଲେ, ବାବା ମୁଁ ତ କାଲି ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଆସିଛି ମୁଁ 2-3 ଦିନ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏ ରୋଗୀ ଭଲ ହେବା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ଥରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, କହିଲେ, ବାବା ତୁମେ ଯଦି ସତରେ ସତ ତାହେଲେ ଏ ରୋଗୀକୁ ଆଜି ରାତିରେ ତୁମେ ଭଲ କର, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଶିରିଡ଼ି ଯିବି। ସତକୁ ସତ ସେ ରୋଗୀ ଭଲ ହେଲା ଏବଂ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯନ୍ତ୍ରଣା ନେଇ, ଏବଂ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଉଦିର ମହିମା। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ କରୁଣାମୟ, ସେ ଲୀଳାମୟ, ସେଇ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ସାଇନାଥଙ୍କ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗାଇବା, ସାଇ ଠାକୁର ମୋ ସାଇ ଠାକୁର ସାଇ ଠାକୁର ମୋ ସାଇ ଠାକୁର ଏଉଠୁ କରୁଛି ତୋର ପାଦ ଜୁହାର ସାଇ ଠାକୁର ମୋ ସାଇ ଠାକୁର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।